ग्यारहवें के मौके पर गौसे आजम के बारे में एक मशहूर वाक्य बयान किया जाता है कि आपने मलकुल मौत के थप्पड़ मारा और रूहों का थैला छीन लिया, तो इसका पढ़ना और सुनना कैसा है? गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस तरीके की झूठी बातें बयान करने से उनका कोई मर्तबा बढ़ेगा नहीं, और ये वाक़या जो है ना वो बयान करना भी हराम है, इसका सुनना भी हराम है। बाज़ लोग इसको कव्वाली की शक्ल में या वाक़े की शक्ल के अंदर या नात वगैरह की शक्ल में सुनते हैं, इसका सुनना भी जायज़ नहीं है। जिस इमाम साहब ने ये बयान दिया है उनको चाहिए कि वापस इतने ही मजमे में कम से कम नेक्स्ट बयान में इससे तौबा करें, रुजू करें, और ये जो है वो गौसे आज़म की कोई शान इससे झूठी करामतों से बढ़ती नहीं है। अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा बुलंद किया है, और देखा जाए तो इसमें रसूल की तौहीन भी है जो कि कुफ्र के करीब ले जाती है, तो इसलिए इससे वाकई से जो है ना बचना चाहिए, इसका पढ़ना सुनना ये हराम है।